जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। आज की क्लास हम लोगों को सीखना है कंट्रा वाउचर। अभी तक हम लोग पेमेंट वाउचर का यूज करना सीखे हैं, रिसीट वाउचर का यूज करना सीखे हैं, आज हम लोगों को सीखना है कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर की शॉर्टकट की होती है F4, और इस वाउचर को बिजनेस के इंटरनल ट्रांजेक्शन जैसे कैश और बैंक के बीच होने वाले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बात समझ आ रही ना? कंट्रा में हम कैश और बैंक अकाउंट के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। कंट्रा वाउचर में चार प्रकार के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। वो चार कौन कौन से टाइप्स हैं? नंबर एक, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर हमारे काउंटर का कैश हम बैंक में जमा करें, कैश टू बैंक मतलब हमने दिन भर बिजनेस अपना किया, हमारे पास शाम को 1 लाख रुपए कैश इकट्ठा हो गया, मैं शाम को गए बैंक में जमा कर दूं, बस समझ आ रहा ना? तो ऐसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि कंट्रा ट्रांजेक्शन का बैलेंस शीट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। पहला चीज देखिए, जब कंट्रा का प्रॉफिट एंड लॉस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिए, जब कैश हमारे बिजनेस में था तब भी उस पर ऑनरशिप हमारी थी, तब भी उसका मालिक कौन था? मैं खुद। और जब बैंक अकाउंट में चला गया तब भी उसका मालिक मैं ही। तो ऑनरशिप चेंज नहीं होती कंट्रा में कभी भी। जब कैश हमारे पास था तो भी प्रकार का करंट एसेट था, जब उसको बैंक में जमा कर दिया तो भी करंट एसेट्स। आपने पढ़ा है कि करंट एसेट्स ग्रुप में बैंक अकाउंट और कैश इन हैंड दोनों आते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो मिला जुला के आपको ये समझना है कि बैंक और कैश के बीच होने वाले इंटरनल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4, और इसमें चार तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। नंबर एक, कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अगर अपने बिजनेस का कैश हम बैंक में जमा करेंगे तो ये कहलाता है कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। दूसरा, अगर बैंक का पैसा हम कैश में विड्रॉल करेंगे, बैंक खाते में पैसा पड़ा था, मैंने चेक से पैसा निकाल लिया या किसी माध्यम से चेक पैसा निकाला, तो अगर विड्रॉल कर रहे हैं तो भी हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? कंट्रा वाउचर। तीसरा, फंड ट्रांसफर आवर वन बैंक टू आवर अदर बैंक। हमारे दो अलग अलग बैंकों में खाता था, मैंने एक बैंक के खाते से पैसा निकाला और दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, ऐसे कंडीशन में भी हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है कैश ट्रांसफर बिटवीन ब्रांच डिवीजन टू ब्रांच। एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में होने वाले फंड ट्रांसफर के लिए भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल किया जाता है। बस समझ आ रहे ना? चार तरह के ट्रांजेक्शन। पहला, अगर बिजनेस का कैश बैंक में जमा होगा तो कंट्रा वाउचर इस्तेमाल होगा। नंबर दूसरा, अगर हम बैंक से पैसा निकाल के लाएंगे बिजनेस में तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल होगा। तीसरा, अपने ही एक बैंक से अपने दूसरे बैंक में पैसा जमा करेंगे तो कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल होगा। चौथा, अपने ही एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में या एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में अगर फंड ट्रांसफर करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे कंट्रा वाउचर का। और कहां पर इस्तेमाल होगा? एक सिचुएशन और आती है, जब ट्रांजेक्शन का फेलियर होता है। जब ट्रांजेक्शन का फेलियर होता है, मैंने किसी पर्सन के खाते में 2000 भेजा, ठीक, कुछ सेकंड्स के लिए मेरे खाते से 2000 रुपया कट गया, डेबिट हो गया, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स बाद वो पैसा वापस मेरे खाते में आ गया, वो पैसा उनके खाते में गया नहीं। इसे बोलते हैं रोल बैक। इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं रोल बैक, ठीक है। यानी अगर फंड हमारा रोल बैक होकर वापस आ जा रहा है तो ऐसे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया ना? टेक्निकल रीजन से या किसी भी रीजन से अगर खाते से पैसा कटा, वापस फिर आ गया खाते में, उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आया? ये टोटल चार तरह के ट्रांजेक्शन है जो हम कंट्रा वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन चारों में किसी को डाउट हो, शंका हो, समस्या हो तो पूछ लीजिए। अब एग्जाम्पल नंबर वन, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 डिपॉजिटेड कैश ऑफ ₹2 लाख इनटू SBI करंट अकाउंट। हमने स्टेट बैंक के करंट अकाउंट में 2 लाख रुपए कैश जमा किया, या अगर कैश का नाम नहीं होता, सीधे ये कहा जाता कि हमने बैंक में 2 लाख रुपए जमा किया, 2 लाख जमा किया, तो 2 लाख जमा क्या करेंगे? कैसे तो जमा करेंगे,
भाई बैंक हमारे कैश को ही तो जमा करता है, बात समझ में आ रही ना? तो ऐसे केस में भी हम कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, फिर जाना है क्रिएट पर, फिर जाना है लेजर पर। हमें जाना है गेटवे ऑफ टैली पर, फिर जाना है क्रिएट पर, और फिर जाना है लेजर। और हमें देखना है यहाँ बैंक का खाता, हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है बैंक अकाउंट। ग्रुप क्या सेलेक्ट करना है? बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक लेजर बना लेना है SBI करंट अकाउंट के नाम से। हालांकि इसको आप बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बना चुके हैं, SBI करंट अकाउंट का खाता आपके उसमें है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो हमें इस तरीके से बनाना होगा। अब उसके बाद हमें करना क्या है, हमें कन्फिगर करना है अपने कंट्रा वाउचर को। कैसे कन्फिगर करेंगे? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे, फिर वाउचर्स पे जाएंगे, फिर ई एफ फोर से कंट्रा वाउचर में जाएंगे, फिर ई एफ ट्वेल्व से कन्फिगरेशन में जाएंगे। और जाने के बाद यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाई के ऑप्शन को करेंगे यस। यूज डेबिट क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, यानी टू बाई के स्थान पर, टू बाई के बजाय हम डेबिट और क्रेडिट टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए हमने इस ऑप्शन को किया यस। दूसरी चीज, वार्न आ निगेटिव कैश बैलेंस। अगर कैश कहीं निगेटिव होता है तो उसकी भी वार्निंग अगर हमें चाहिए तो हम उसे करेंगे यस। तीसरा, शो करंट बैलेंस ऑफ द लेजर। अगर किसी लेजर का करंट बैलेंस हमको देखना है तो हम उसको भी करेंगे यस। शो बैलेंस एज ऑन बाउचर डेट, यानी बाउचर डेट के हिसाब से अगर हमें बैलेंस देखना है इस ऑप्शन को भी करेंगे यस। बात समझ में आ रही ना? इतने सारी चीजों के बारे में हमको समझना है। कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल यहाँ पर इतने सारे केस में किया जाए, क्लियर है? लॉक कर दिया जाए। चलिए अब यहाँ से हम आ जाते हैं अपने टैली में। टैली में आने के बाद सबसे पहले जो कंपनी खुली है, इसे कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा के बंद करते हैं। बंद करने के बाद हम इंटर करते हैं, और यहाँ से हम सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पर जाएंगे, डी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे, और Tally3PM को सेलेक्ट करेंगे, और अपनी कंपनी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले हम बाउचर में आ गए, और बाउचर में आने के बाद EF12 से कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में आने के बाद हमें इन सारे ऑप्शन को करना होता है यस। सबसे पहला, यूज क्रेडिट डेबिट इन स्टेट ऑफ टू बाई, इसे भी करना है यस। हमने कर दिया यूज डेबिट क्रेडिट इन स्टेट ऑफ टू बाई, इसे करना है यस, पहला चीज। दूसरा चीज, वार्न ऑन निगेटिव कैश बैलेंस। निगेटिव कैश बैलेंस को भी हमें क्या करनी, वार्निंग को कर देना है यस। तीसरा, हमें शो करंट बैलेंस ऑफ द लेजर, इसे भी हमें कर देना है यस। शो करंट बैलेंस ऑफ द लेजर, कहीं दिख रहा है तुम लोगों को? नहीं दिख रहा है ना? चलो यहाँ ऑल मोर कॉन्फ़िगरेशन को करिए यस, और यहाँ पे आपको दिखेगा शो करंट बैलेंस ऑफ द लेजर, ये पहले से। चौथा जो सेटिंग चेंज करना है वो है शो बैलेंस एज ऑन वाउचर डेट, इस ऑप्शन को भी कर देंगे हम लोग यस। बात समझ में आ रहा ना? और कंट्रोल के साथ ए बटन दबा के हम करेंगे इसको एक्सेप्ट। अब ये हो गया कंट्रा वाउचर का कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, वाउचर को ओपन करेंगे और यहाँ चले जाएंगे कंट्रा वाउचर में। ट्रांजेक्शन नंबर एक बोला जा रहा है कि कैश, देखिए ट्रांजेक्शन पहले पढ़े हम ऊपर। 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया जा रहा है। कौन से बैंक में? SBI के करंट अकाउंट में। तो बैंक देखो पर्सनल अकाउंट है, और क्या है, पाने वाला। पाने वाले को हमेशा करते हैं डेबिट। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पाने वाला है, पाने वाले को हमेशा करते हैं डेबिट, इसलिए हम यहाँ बैंक को करेंगे डेबिट और कैश को करेंगे क्रेडिट। कैश क्यों क्रेडिट होगा? कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है। अगर कोई रियल अकाउंट बिजनेस से जाएगा तो उसको हम करेंगे क्रेडिट, ठीक है? बात समझ में आ रहा ना? बैंक एक पर्सनल अकाउंट है और पाने वाला है, पाने वाले को करेंगे डेबिट, ठीक। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस से जा रहा है, जाने वाली चीज को करेंगे डेबिट। चलिए तो अब हमें करना क्या है, हम वाउचर में आ गए और क्रेडिट करेंगे इसको, कैश को। कितने रुपए से? 2 लाख रुपए से। ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक। डेबिट किसको करेंगे? SBI करंट अकाउंट, ठीक।
इंटर करेंगे। इंटर करते ही पूछेगा विवरण कि बताइए जो 2 लाख रुपया बैंक में जमा कर रहे हैं उसमें कितने की कितनी नोट है। चूंकि 200 की तो कहानी खत्म हो गई है 2000 वाली, इसलिए 2000 वाली कहानी हम लोग भरेंगे नहीं, 1000 चलता नहीं है, तो सीधे 500 पे आ जाएंगे और भर देंगे। 500 की कितनी नोट हो जाएगी? 400। जब 500 का 400 नोट भरोगे आप तब जाके 2 लाख रुपए पूरा हो। बात समझ में आया? और इसको कर देंगे इंटर और कर देंगे एक्सेप्ट। अभी 2000 वाला भी भर सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? अभी सितंबर तक टाइम है, तो चलिए एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अब ट्रांजेक्शन नंबर 2, 15,000 विड्रॉल फ्रॉम एसबीआई करंट अकाउंट बाय चेक नंबर 15847। 15,000 रुपए एसबीआई के करंट अकाउंट से हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर बैंक दे रहा है इसलिए देने वाला हमेशा क्रेडिट होता है, इसलिए बैंक के खाते को करेंगे क्रेडिट और कैश के खाते को करेंगे डेबिट। तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हम करेंगे क्या, बैंक को करेंगे क्रेडिट, इसलिए हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया एसबीआई करंट अकाउंट। कितना रुपए निकाल रहे हैं? 15,000। 15,000 हमने भर दिया, 15,000 ठीक है। और डेबिट किसको कर देंगे? कैश को। हम बैंक से 15,000 रुपए निकाल रहे हैं, ठीक, बैंक पैसा दे रहा है, बैंक पर्सनल अकाउंट है, देने वाला है, देने वाले को करते हैं क्रेडिट। कैश एक रियल अकाउंट है, बिजनेस में आ रहा है, बैंक से पैसा निकाला तो बिजनेस में आया ना, आने वाली चीज को करते हैं हम लोग डेबिट, इसलिए कैश को करेंगे यहाँ पर डेबिट। इधर लॉजिकल ट्रांजेक्शन फिट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? रटने का बहुत जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, 20,000 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं एसबीआई के करंट अकाउंट से ओडी में, तो करंट वाला देने वाला हो गया, हम करंट से ट्रांसफर कर रहे हैं ओडी अकाउंट में, यानी करंट देने वाला है, करंट देने वाला क्रेडिट होता है, इसलिए करंट को करेंगे क्रेडिट और ओडी को करेंगे डेबिट। और यहाँ पर भी कंट्रा वाउचर का इस्तेमाल होगा, तो करंट को कर दिया क्रेडिट, 2 रुपए जमा कर रहे हैं ट्रांसफर, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए भर दिया ठीक है, और डेबिट कर देंगे ओडी अकाउंट एट एसबीआई। फिर 20,000 रुपए डिपॉजिट हो रहा है एसबीआई के करंट अकाउंट में और 30,000 रुपए डिपॉजिट हो रहा है किसमें? ओडी में। यानी टोटल डिपॉजिट हमने कितना किया? 50। समझ में आया? हमने प्रदीप सर को 50,000 रुपए दिया, कहा प्रदीप सर चले जाइए बैंक, हमारे करंट अकाउंट में आप जमा कर दीजिएगा 30,000 रुपए, ठीक है, सॉरी 20,000 रुपए करंट में जमा कर दीजिएगा और 30,000 रुपए ओडी वाले खाते में जमा कर दीजिएगा। तो टोटल काउंटर से गया कितना? 50। यानी कैश क्रेडिट कितने से होगा? 50 से। और यहाँ पर करंट आपका डेबिट होगा 20 से, ओडी डेबिट होगा 30 से। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, हम सबसे पहले करेंगे क्रेडिट, किसको करेंगे? कैश। कैश क्रेडिट कितने से करेंगे? 50,000 से, ठीक है। फिर डेबिट कर देंगे, डेबिट हम किसको करेंगे? एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, हमने सेलेक्ट कर लिया एसबीआई बैंक करंट अकाउंट, कितना रुपया? 20,000। तो 500 का कितना नोट था बताओ? 40 नोट, तभी 20,000 होगा। और यहाँ पे हम करेंगे ओडी अकाउंट, यहाँ हो गया 30। अब 500 का कितना नोट होगा? 60 हो गया। तो विवरण बनना है बस और कुछ नहीं। किसको समझ नहीं आ रहा है बता दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन 2 अप्रैल 2021 ट्रांसफर 10,000 फ्रॉम कैश टू पेटी कैश, हम अपने कैश अकाउंट से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं, कितना? 10,000 रुपए। तो चलिए यहां पर भी हम करेंगे क्रेडिट कैश को, कितने रुपए से? 10,000 से। और डेबिट करेंगे पेटी कैश अकाउंट को, 10,000 से। बस, तो सारा क्वेश्चन आपको दे रखा है, सारा सलूशन आपको दे रखा है,
बस देख देख के आपको एंट्री करना है और कुछ नहीं। अच्छा अभी और है एक, सात तमाम का ये नहीं है। अब देखो 7,000 रुपये निकाला जा रहा है एसबीआई के करंट अकाउंट से और फिर उसको ट्रांसफर किया जा रहा है पेटी कैश में। बात समझाया? हम बैंक से जाते हैं, 7,000 रुपये निकालते हैं और निकाल के उसको पेटी कैश में जमा कर देते हैं, तो पाने वाला कौन सा हो गया? पेटी कैश का खाता, इसलिए उसको करेंगे डेबिट। बैंक क्या है? देने वाला। एसबीआई के करंट अकाउंट को करेंगे क्रेडिट और पेटी कैश को करेंगे डेबिट। तो चलो हम क्रेडिट कर दिए एसबीआई के करंट अकाउंट को, क्या रुपया से 7,000। ठीक, उसके बाद डेबिट किसको करेंगे? पेटी कैश। बस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार आप चेक कर लीजिए ट्रायल में कोई डिफरेंस तो नहीं आया है। देखने के लिए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे एंड ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, अल्ट के साथ F1। इस फिगर को नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, 51 37 054 045। कल के ट्रायल और आज के ट्रायल में कोई फर्क पड़ा है क्या? रिकॉर्डिंग हुआ है, अपलोड नहीं हुआ? आज अपलोड हो रहा है।